नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंजेक्टर के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग नोजल कहते हैं। नोजल जो होता है, जैसे स्पार्क प्लग लगा होता है वैसे ही नोजल लगा होता है, वही इंजेक्टर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या है। ठीक है, ये वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसको हम दो भाग में हम करेंगे, यानी दो पार्ट में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों पार्ट आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस ड्राइवर के हिसाब से। नोजल के बारे में, इंजेक्टर के बारे में बहुत लोगों से पूछा गया सवाल था, और ये भी पूछेगा ही पूछेगा इस बार भी, क्योंकि हर बार का फेवरेट उसका रहता है नोजल इंजेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। क्या है, क्या कहता है नोजल जो इंजेक्टर होता है, वो क्या कहता है कि आंतरिक दहन इंजन में उपयोग किए जाने वाला दो ईंधन सिस्टम है। आंतरिक दहन इंजन में, यानी सिलेंडर के अंदर का जो दहन की प्रक्रिया होती है, जो टॉर्क जनरेट होता है, जैसे पेट्रोल डीजल जो भी है, उस हवा का मिश्रण का जो वहां पे जलता है, वो इंजन के अंदर आंतरिक दहन यानी अंदर दहन होता है इंजन के अंदर। ठीक है, उपयोग किए जाने में दो वो काम करता है, दो सिस्टम काम करता है। पहला तो कार्बोरेटर होता है और दूसरा इंजेक्शन होता है। ठीक, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन यही होता है कार्बोरेटर, जैसे ये डीजल इंजन में ये लगा होता है इंजेक्शन। ठीक है, इसी के हिसाब से काम करता है, और यहाँ पे कार्बोरेटर होता है। इंजेक्टर क्या होता है कि डीजल इंजन गाड़ी में लगता है, और स्पार्क प्लग जो होता है वो पेट्रोल गाड़ी में लगा होता है। तो ये दोनों वही चीज है, यहाँ कार्बोरेटर पेट्रोल में काम करता है, इंजेक्शन जो है डीजल में, डीजल जो गाड़ी होगी उसमें काम करता है। ठीक है, तो दो चीज आप समझ गए कि आंतरिक दहन इंजन के लिए दो सिस्टम है, कौन कौन सा, एक कार्बोरेटर और एक इंजेक्शन। ठीक है, अगला, इंजेक्टर एक कार में एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम ये होता है इंजेक्टर, जो कार में एक लगा होता है सिस्टम, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल सिस्टम लगा होता है, जिस कारण से पूरा आपका जो फायर होता है सिलेंडर में, जो दहन होता है सिलेंडर में, उसकी सारा चीज का रख रखा होता है। ठीक है, जो सिस्टम होता है, जो वायु और ईंधन मिश्रण के निर्माण में शामिल होता है, ये दोनों को मिलाने का काम यही करता है। ठीक है, जैसे हवा और डीजल और या पेट्रोल जो भी हो, ठीक है, उसको मिलाने का काम जो है यही करता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम जो लगा हुआ है वही काम करता है, और दोनों को, वायु और ईंधन को मिश्रण के लिए निर्माण करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, ऐसे समझिए। ठीक है, जो इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर देखिए यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा, ये इंजेक्टर है, और नीचे वाला देखिए कि ये कैसे पेट्रोल हो या डीजल हो कैसे स्प्रे करता है। वहां पे ही नहीं कि ऐसे बूंदा आकार में पेट्रोल या डीजल जो ईंधन है वो गिरता है, नहीं, स्प्रे, जैसे हम लोग सेंट मारते हैं तो जैसे स्प्रे आता है ना, ठीक वैसे ही स्प्रे देता है, वो फुहारा देता है, उसका डीजल हो या पेट्रोल हो उसका फुहारा देता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये चार नोजल लगा हुआ है, ये चारों नोजल किस तरह से स्प्रे करता है, और एक तरह से वहां पे वायु का भी मिश्रण होगा तभी वो मिलेगा उसमें, और अच्छा स्ट्रोक यानी अच्छा पावर, अच्छा ऊर्जा जनरेट करेगा, जिस कारण से हमारी गाड़ी में रफ्तार और गाड़ी स्टार्ट होने में बहुत मदद मिलता है। तो देख सकते हैं आप लोग कि कैसे है, कैसे काम कर रहा है, कि स्प्रे की तरह वो काम कर रहा है, और ये इंजेक्टर है, देख लीजिए ऐसा इंजेक्टर होता है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये स्प्रे कर रहे हैं, जैसे दहन, आंतरिक दहन जो सिलेंडर के अंदर का दहन होगा वो ठीक इसी तरह से स्प्रे करके देता है, वो डीजल गाड़ी हो या पेट्रोल गाड़ी हो। डीजल में तो आप देख लिए ऐसे होता है, पेट्रोल गाड़ी में वहां पे स्पार्क प्लग होता है, तो वहां उसके जगह पे कुछ और होता है, जो स्पार्क प्लग इसलिए होता है कि वहां पे चिंगारी उत्पन्न कराने के लिए। ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ देखिए डीजल इंजन में कैसे वहां पे आपका स्प्रे करना है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला,
इंजेक्टर किसी भी प्रकार के ईंधन को संचालित होता है, ईंधन पर संचालित होता है, किसी भी प्रकार का ईंधन जो होगा उस पर संचालित होगा, पेट्रोल छोड़ के गैस हो, गैसोलीन हो या फिर आपका डीजल हो, ठीक है, उस पर संचालित करता है यानी उसका प्रोसेस करता है, ठीक है, इतना समझ गया आप लोग। इसके बाद जिसके लिए या डीजल गैसोलीन या गैस इंजन पर उपयोग किया जाता है, ये जो है किसी भी प्रकार पर संचालित किया जाता है, मतलब इंजेक्टर जो आपका है ये डीजल गाड़ी हो, गैसोलीन का गाड़ी हो या गैस का इंजन वाला, गैस वाला इंजन हो, सीएनजी हो या जो, उस पे यही नोजल ही लगा होता है, ठीक है, क्योंकि वो अलग से गैस के लिए नहीं, वो लोग अलग से बनाते हैं, वो गाड़ी कंपनी द्वारा नहीं आती है कि वहां पर डीजल का टंकी नहीं होगा और गैस से चलेगा, ऐसा नहीं है, बाहर में लोग बनाते हैं, जो अभी भी अब जो है वो कंडीशन में बाहर मार्केट में आने भी लगा है और धीरे धीरे हम मुझे लगता है कि वो आ ही जाएगा, क्योंकि ये प्रदूषण रहित होता है, बहुत कम प्रदूषण करता है, ये जितना डीजल इंजन जितना प्रदूषण करता है उतना शायद पेट्रोल इंजन ना करता है और ना ही ये गैस और गैसोलीन वाला इंजन जो है वो प्रदूषण करता है। डीजल इंजन हमेशा याद ध्यान में रखिएगा, अगर आपको पेट्रोल और डीजल इंजन के अंतर में भी पूछ दे तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि डीजल इंजन प्रदूषण देता है और पेट्रोल इंजन प्रदूषण रहित होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब जो है उपयोग किया जाता है, नोजल इस सब डीजल में, गैसोलीन में, गैस में, ये आसानी से आपको याद होगा, बता सकते हैं, ठीक है। आगे गैसोलीन और गैस उपकरण के मामले में इंजन की ईंधन प्रणाली समान होती है, मतलब कहने का मतलब ये कि आपका क्या है गैसोलीन या गैस उपकरण, यानी जो वाहन आपका है गैसोलीन का वाहन हो या गैस का वाहन हो, ठीक है, तो ये दोनों के मामले में, ये दोनों उपकरण मतलब ये दोनों गाड़ी के मामले में इंजन जो है, इंजन की ईंधन प्रणाली जो है, जैसे ईंधन जैसे उसमें काम करता है डीजल इंजन में, ठीक ये इसमें भी सेम काम करता है, या तो गैसोलीन या फिर गैस, दोनों कंडीशन में, यानी दोनों का जो उसका ईंधन होगा या गैस ईंधन हो या गैसोलीन ईंधन हो, दोनों के मामले में जो इंजन प्रणाली है वो समान होती है। जैसे स्प्रे कर रहा है, थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना है, तो गैसोलीन और गैस में ठीक उसी तरीके से एकदम सेम प्रणाली में दोनों का मिश्रण कराता है और दोनों का समान ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है, ये नहीं कि ये दोनों में कुछ अंतर है, डीजल इंजन में थोड़ा अंतर हो सकता है, गैसोलीन और गैस का उपकरण के मामले में ये समान होता है और समान काम करता है। तो यह हमारा इंजेक्टर है, इंजेक्टर के बारे में ये हम जाने, इससे भी और मुख्य बातें और जो है उसको भी जानेंगे। अगर इंजेक्टर के बारे में आपसे अगर सवाल पूछ दिया जाए कि पांच कारण बताइए कि कैसे काम करता है, क्या करता है, तो उस समय दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, उस समय सोचने के अलावा कुछ नहीं होगा, तो आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं और इस पे एक वीडियो और आएगा, उसमें भी हमने और चार पांच चीजों को, पांच चीज इस पे हमने कवर किया है, पांच चीज अगले वीडियो में भी कवर करेंगे और इंजेक्टर के बारे में जानेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही काफी है। अगर हमारे चैनल पे आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको इंटरव्यू के लिए मिलता रहे, ठीक है। और जो लोग आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, बहुत सारा इंटरव्यू का वीडियो हो गया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहां से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो अभी बहुत सारा आने वाला है, हमने सब इंजेक्टर बताया, स्पार्क प्लग बताएंगे, कार्बोरेटर बताएंगे, बहुत सारा वीडियो है, सब इतना वीडियो है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप लोग देखते रहिए ऐसे ही। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और